इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे नेहा, कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी, आज एकादशी है ना, तो मैं मंदिर से हुआ। हाँ हाँ जाओ। अरे बस बस बस, तुम जाओ। क्या कर रहा है? दरवाजा तो बंद करने दे, कोई देख लेगा तो। राम, तेरी शादी के इतने दिनों बाद आज जाके मिल रहे हैं। अब मेरे से रहा नहीं जाता। हाँ। पूनम जी, हमें आपकी बेटी नेहा बहुत पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, बस जल्दी इन दोनों का ब्याह करवा देते हैं। आपने तो हम लोगों पर एहसान ही किया है, हम गरीब गांव वालों के साथ अपना रिश्ता जोड़ के। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे किस्मत तो हमारी अच्छी है कि हमें इतनी सुंदर और गुणवान लड़की मिली है अपने संतोष के लिए। नेहा बेटा, ये तुम्हारे लिए। शादी तो एक हफ्ते बाद है, लेकिन हमने तो इसे आज से ही अपनी बहू मान लिया है। ये लो अमर बेटा, रख लो। अरे ये क्या? अरे हम कुछ नहीं दे रहे, ये शादी के खर्च के लिए है। रख लो बेटा, रख लो, काम आएंगे। अब अंकल, जब आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो नहीं लेते हैं। अरे हम तो लड़के वाले हैं, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आप तो नेहा दे दीजिए केवल। हमारी नेहा आज से आपके घर की इज्जत और संतोष जी की अमानत। सोने की चेन कितनी मोटी है, पक्का बहुत महंगी होगी। अरे क्या? तीसरा पति मुबारक हो मेरे लिए। चल हट परी, लिपटने चिपटने के अलावा और कुछ आता है तुझे? नहीं पसंद मुझे ये सब। अच्छा। नहीं पसंद तो यहाँ क्या कर रही है तू मेरे साथ? पता नहीं क्या ऐसा जादू है तुझ में, शादी किसी से भी रचा रहती तेरे साथ ही हूँ। जान, वैसे तू शादी किसी के साथ भी कर ले, लेकिन आगरा तो मेरे साथ ही मनाएगी ना। चल चिपड़े ठरकी। अरे सुन तो, तुझे पता है कि हम दोनों को भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि हम दोनों मिलके दूसरों की तिजोरियां लूट सके। दोनों नहीं, तीनों। रचना, तुम बेहद खूबसूरत हो, मैंने आज तक तुमसे सुंदर लड़की नहीं देखी। क्या हुआ किशोर जी? अरे लक्ष्मी जी, कहाँ जा रही हो? वो बाजार जा रहे थे, सब्जी खत्म हो गई है ना। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जी, हम यूं गए और यूं आए।
आजकल के लाचार और कमजोर मर्द शादी के लिए इतने उतावले होते हैं कि ब्याह के लिए एक लड़की मिल जाए, और इन बेवकूफों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि एक ढूंढो हजारों मिलेंगे। बस सब इन्हीं की कृपा है। ऐसे शादी के मार्केट में आजकल लड़कियों का अकाल पड़ा है, और यही अकाल तो हमारा जाल है जिसमें हर बार कोई ना कोई मोटी मछली फंस जाती है। बेचारे संतोष जी, उनको तो पता भी नहीं है कल वो अपने ही बर्बादी के गले में वरमाला डालने वाले। खुश रहिए, खुश रहिए। अब इसे ही अपना घर परिवार समझना, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना। हाँ जी माँ। रहना। अपने पति का ख्याल रखना। और अपने भाई को भूल मत जाना। तू चिंता मत करो, मैं तेरी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। नेहा जी, देखिए ना, हमें आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपसे एक बात कहनी चाहता था। नेहा जी, आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हैं। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। आई लव यू नेहा जी, आई लव यू। क्या हुआ? वो सावन का मास चल रहा है ना, तो दरअसल अभिषेक करते वक्त ये वचन लिया था कि अगर इस सावन मास हमारे हाथ पीले हो गए तो हम एक पूरा सावन मास ब्रह्मचर्य का व्रत करेंगे। और देखिए ना, सावन के दूसरे दिन ही हमारा आपसे विवाह हो गया। शिवजी ने हमारी मुराद पूरी कर दी। कोई बात नहीं नेहा जी, देखिए ना आपके मन में कितनी पवित्रता और भक्ति में कितनी शक्ति है कि भोलेनाथ ने आपकी मुराद मांगते ही पूरी भी कर दी। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, और वैसे भी एक ही महीने की तो बात है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ ऊपर सो जाइए और मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं नहीं नेहा जी, ये ठीक नहीं। आप ऊपर ही सोइए आराम से, मैं नीचे सोता हूं। अच्छा। कोई बात नहीं।
मैंने अभी एक फोटो सेंड किया है, मुझे एग्जैक्ट ऐसा ही नकली कंगन चाहिए, जल्दी। भाभी देवर जी, आप यहाँ? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ माँ के कमरे में? वो क्या है ना, माँ जी ने अपनी अलमारी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, तो बस वही बंद करने आई थी, कर दिया। संतोष, आज जरा काम से जल्दी आ जाना, मुझे मार्केट जाना है। ठीक है माँ, आ जाऊंगा। संतोष ये लो। जी पापा जी। संतोष, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार गेहूं में उतना मुनाफा नहीं हुआ। हाँ पापा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि इस बार हम गाड़ी सोयाबीन की भरवाएं, क्योंकि उसमें मुनाफा भी ज्यादा होगा और कैश भी तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये 50,000 रुपए है ना, ये गहलोत को दे देना। जी दे दूंगा। एक बार गिन तो ले। जी। पापा जी। बेटा लाओ। मम्मी जी। नेहा जी रख दीजिए, बाद में पी लूंगा। ये लीजिए, आपका टिफिन तैयार हो गया है। नेहा जी, मेरा तो आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कि सारा दिन बस घर में बैठकर आपको निहारता रहूं, यूं ही देखता रहूं। काम पे तो जाना जरूरी है ना, आप काम पे नहीं जाएंगे तो हमें पैसे कहां से मिलेंगे? पैसे मतलब पैसे? हमारा मतलब है, अगर आप काम पे नहीं जाएंगे तो ये घर कैसे चलेगा, है ना? सही कह रही हैं, तो चलूं फिर? जी हाँ, बाय। मैं क्या कह रहा था, वो फिल्म बहुत अच्छी लगी है, शाम को टिकट लेके आऊं, दोनों देखने जाएंगे? नहीं, वो संध्या को ना हमारा पार्ट है, इसलिए हम नहीं जा सकते। आपके व्रत पार्ट मेरी तो लगी पड़ी है। आपको देर नहीं हो रहा है? चाहिए ना? बहुत देर हो रही है, चलता हूँ। बाय। भैया, भैया आप दुकान जा रहे हैं तो रास्ते में मुझे रमेश के घर छोड़ दीजिए ना। चल बाय। बाय। देवर जी भी हमारी तरह महंगे शौक रखते हैं। बहू, बहू यहाँ क्या कर रही हो? जी मम्मी जी, वो मैं कमरे में देखने आई थी कि कोई
गंदे बर्तन तो नहीं है तो मैं धो देती। और ये देखिए ना कपड़े भी, कमरा कितना गंदा पड़ा है, तो सोचा साफ कर दूं। दिन भर काम ही करती रहोगी या दो घड़ी आराम भी करोगी? करूंगी ना मम्मी जी, आराम भी करूं, पर पहले अपना काम तो पूरा कर लूं। नमस्कार समधन जी। अरे आप, नमस्कार। आइए ना, बैठे बैठे। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि बिटिया को मिलते हुए जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी का ही तो घर है, आप बैठिए ना। अरे माँ आप मेरी बड़ी जी। कंगन लायो। हाँ पता है मम्मी जी ने ना कल हमें एक अलग तरीके के चावल के पापड़ बनाने सिखाए, बहुत स्वादिष्ट थे। आप भी लेकर जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ, छत पे सुखाने रखे। निया मम्मी के लिए चावल। जी जी मम्मी जी, मैं अभी आई। चलो चलो। तो मैं जाती हूँ। अरे इतनी जल्दी, भी तो हम दोनों की बातचीत भी नहीं हुई। अरे समधन जी, अब बेटी के घर ज्यादा देर रुकना ठीक थोड़ी ना होता है। कोई बात, ये पापड़ ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये पापड़ तो क्या, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, हमारे गांव में तो यही मानते हैं। चलते हैं जी। लाइए मम्मी जी, मैं पकड़ लेती हूँ। अरे बहू। जी मम्मी जी, ये पौधा यहाँ क्यों लाई? वो कल माँ का फोन आया था, हमारे गांव के ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी कुंडली के अनुसार मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल की तरक्की के लिए ये अपराजिता का पौधा मेरे मामा के घर को दान करना है, इसलिए मैंने भैया को बुलाया है, वो आके इसे गांव पे लेके जाएंगे मामा के घर। पहना? अरे लीजिए भैया अभी गए। ये लीजिए पौधा, माँ से कहिएगा जैसा माँ ने कहा था वो सब करके दिया।
अब वो बहना कुछ तू सामान के बारे में बात कर रही थी। कौन सा सामान? माँ बता रही थी ना, वो शायद रूम में रह गया होगा। अरे बहू, किसे रूम में ले जाना, वहीं जाकर बता देगा कौन से सामान की बात कर रहे हैं। हाँ जी मम्मी जी, चलो। हाँ। तू यहाँ भी शुरू हो गया? हाँ मैं तो बस अपना सामान लेने आया। अपना सामान लेने आया तो ले जा सामान। ले जा, ले जा। अरे वाह, आप लोग चाय पी रहे हैं? मुझे भी चाय पिला दो माँ। बैठो बैठो। नेहा कहाँ है? उसका भाई आया है ना अमर, उसके साथ कमरे में। तो मैं फिर उसको मिलके आता हूँ। चाय तो पी कर जाओ। चाय बाद में पियेंगे माँ, पहले इजरा नेहा को तो मिल लूँ। हाँ ठीक है। अरे जीजा जी, क्या कर रहे हो? अरे अरे प्रणाम कर रहा मैं। खुश रहो। कैसे आना हुआ? वो तो वो भैया, वो सामान ना मिल नहीं रहा है। आप माँ से कहिएगा मैं ढूंढ के रखूंगी, अब तब तक ये गमला लेके जाइए। हाँ ठीक है जीजा जी, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो, आते रहना बहना से मिलने। व्रत चल रहा है ना? ये व्रत, ये पाठ। मिल गया। ये छोरी तो दिन ब दिन माहिर होती जा रही है। बहुत बढ़िया। अब हेलो हेलो चौधरी साहब, देखो मुझे लड़की पसंद आई है। 3 लाख में बात तय करते हैं, और हाँ शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ठीक है डन। ध्यान से देखिए संतोष जी, वही कहीं रखे होंगे। नेहा जी पूरे 50,000 रुपए मैंने खुद इस ड्रॉ में रखे थे, इस ड्रॉ में से कहां गायब हो गए? क्या हुआ बेटा? पापा आपने जो पैसे गहलोत जी को देने के लिए दिए थे, पूरे 50,000 रुपए गायब हो गए हैं घर से। अरे यहीं कहीं होंगे, देखो मिल जाएंगे। पापा कहीं नहीं मिल रहे, सब जगह ढूंढ लिया मैंने। अरे अलमारी से पैसे कहां जाएंगे? माँ पता नहीं कहां चलेगा, वही तो मैं देख रहा हूँ। भैया आपके कमरे में तो आपके और भाभी के अलावा कोई और नहीं आता। तो मतलब अगर आपको नहीं पता तो शायद भाभी को पता हो। देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने पैसे चुराए हैं, बोलो मुझे पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी है? मुझे पता है आपको पैसों की जरूरत थी ना, इसलिए आप ऐसा कुछ पे डाल रहे हैं। बहू तुम कहना क्या चाहती हो? पापा जी एक मिनट। अरसर क्या कह रही बहू? मुझे पता नहीं। ये देखिए पापा जी, देवर जी छुप छुप के घर में शराब पीते हैं, किसी के लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ी होगी है ना? तो इस हद तक गिर गया है कि शराब घर पर लाकर पीने लगा है। इसका मतलब है कि नेहा सही कह रही है, पैसे तूने चुराए हैं। बोल
भैया मानता हूँ कि ये शराब की बोतल मेरी है, लेकिन आप मानो या ना मानो, वो पैसे मैंने नहीं लिए। तो पैसे गए कहाँ? मुझे नहीं पता। आज तक कभी हमारे घर में चोरी नहीं हुई। वो अगर दर्शन ने नहीं लिए तो पैसे आखिर गए कहां? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़का और लड़की शादी करने के बाद हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन यहाँ नेहा कई लड़कों की जीवन संगनी बनकर उन्हें लूटकर वहां से भाग चुकी है, और अभी भी नेहा का ये खेल संतोष के साथ जारी है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन, और आज एक ऐसे गिरोह के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने फर्जी शादी को लूट का जरिया बना लिया था। ये इतने शातिर लोग हैं कि मजबूर और मासूम लड़कों को सबसे पहले फंसाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इनका कार्य बहुत ही आसानी से खत्म भी हो जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध क्यों होते हैं? कारण यह है कि आज भी हमारे देश में कई प्रांतों में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के अभी भी अविवाहित हैं। अक्सर गरीब, पिछड़े और कमजोर लड़के जो गाँव में और छोटे कस्बों में रहते हैं, उनके लिए शादी करने के लिए लड़कियां मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो किसी भी तरह शादी करके एक सुखी गृहस्थी बसाना चाहते हैं। समाज का यही असंतुलन नेहा, पूनम और अमर जैसे अपराधियों को जन्म देता है, जो लड़कों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें लूटते हैं। आइए देखते हैं नेहा, पूनम और अमर का संतोष के परिवार को लूटने का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अरे नेहा, कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी, आज एकादशी है ना, तो मैं मंदिर से हुआ। हाँ हाँ जाओ। अरे बस बस बस, तुम जाओ। संतोष, संतोष, संतोष। हाँ माँ। प्रणाम माँ। बेटा तू यहाँ नीचे क्यों सोया है? दर्शन की वजह से तेरे और नेहा के बीच झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं माँ, नेहा जी तो बहुत अच्छी हैं, उन्हें कल वाली बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो तो उल्टा कल रात को मेरे से माफी मांग रही थी। वो तो क्या है ना, उन्होंने एक महीने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, बस इसीलिए मैं नीचे सो गया था। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक महीने का व्रत? हाँ। इतना लंबा? हाँ माँ। माँ नेहा है कहाँ? बेटा वो आज एकादशी है ना, तो मंदिर गई है। बहुत ही धार्मिक लड़की है। कर रहा है, छोड़ मुझे, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मैं जाने नहीं दूंगा। ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंची ना, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ जाए। जान, तुझे पता ना कि तू कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, तो वो बेवकूफ कभी जान भी नहीं पाएंगे। कैसे मैं तुझे चीज क्या है? चीज तो मैं लाजवाब हूँ। अच्छा? ये क्या कर रहे हैं आप? व्रत चल रहा है ना मेरा? ये नेहा जी खाली हाथ ही तो पकड़ रहे हैं। नेहा जी आपका क्या हमारे पास आने का मन नहीं करता? संतोष जी,
मन तो मेरा बहुत करता है, पर आपको तो पता है ना, सावन का मास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर आप तो समझ सकते हैं ना। हाँ समझ सकता हूँ, ये फोन भी अभी आना था। हाँ हाँ भैया आ रहे हैं, चलता हूँ। अरे यार इनका खत्म नहीं होता और तुम्हारा शुरू हो जाता है। हेलो, ये संतोष ना अब मुझे सरदर्द दे रहा है, यहाँ से पिन चुरा कर भागना ही ठीक है। अरे मेरी जान, तुझे जिस काम के लिए भेजा ना तो उस काम पे ध्यान, ठीक है? बाकी ये संतोष जैसा को तो तू बड़े आराम से संभाल सकती है। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बता कि माल कब भेज रही है। मैं रोज रोज ऐसे चोरी नहीं कर सकती, अगर इनको शक हो गया ना तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। मैं कुछ और सोचती हूँ। हाँ ठीक, सोच लो। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दर्शन इधर आओ। हाँ पापा। अरे भाभी आप रो क्यों रही हो? अरे इनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। जो मैंने तुम्हें 25,000 रुपए सुबह दिए थे ना गाड़ी ठीक कराने के लिए, हाँ। तो एक काम कर, गाड़ी कल ठीक करा लेना और पैसे ला करके दे। चल जी, भैया ना पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, जैसे ही आ जाएंगे हम आपको पूरे पैसे लौटा देंगे। कोई बात नहीं बेटा, ये तो घर की बात है। अरे तू अभी तक ये खड़ा है, चल लेके आ और दे पैसे। हाँ पापा। थैंक यू पापा जी। कोई बात नहीं। थैंक यू अम्मी जी। जहाँ एक तरफ अच्छे रिश्तों के लिए आज भी लड़की के घर वाले दहेज देने के लिए तैयार बैठे हैं, वही दूसरी तरफ जहाँ लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है वहां लड़की के घर वाले दहेज लेते हैं, और शादी करने के लिए लड़के के घर वाले दहेज देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमारे समाज में घटती हुई लड़कियों की संख्या का जिम्मेदार समाज के वो लोग हैं जो गर्भ में ही कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं। जो बेटी देगा नहीं वो बेटी लेगा कैसे? अगर हम लड़कियों को जन्म नहीं देंगे तो फिर हमारे घर में बहू लाने का अरमान पूरा होगा कैसे? फिलहाल नेहा, पूनम और अमर संतोष की अच्छाई और उनकी मजबूरियों का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। पर वो कहते हैं ना एक दिन शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, तो क्या इस बार भी हमेशा की तरह नेहा, अमर और पूनम संतोष के परिवार को चकमा देकर वहां से भाग जाने में कामयाब हो पाएंगे? मैट्रिमोनियली देख रही हूँ। अब बस बहुत हो गया, अब उस घर से ना ये खेल खत्म करना पड़ेगा। 3-4 दिन में 1 महीना हो जाएगा और फिर वो संतोष मुझ में टूट पड़ेगा। ठीक है ना, कर ले थोड़ी देर संतोष के साथ मदद। मजाक मत कर मम्मी। तू नाराज क्यों हो रही है? ठीक है इस खेल को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस मुर्गे को काटने से पहले एक नया मुर्गा तो खोजना पड़ेगा ना। मतलब खुश रहो बेटा। बीमार हो गई थी तो मन्नत रखी थी कि मैया के दर्शन को आऊंगी बिटिया को लेके। 2 ही दिन में बिटिया को वापस भेज देंगे। नेहा जी पर जल्दी चले आना जी। हाँ प्लीज। चले बेटा। अच्छा बाय बाय। जी मेरी सुशील बिटिया गंगा। भाई लड़की तो हमें पहले से ही पसंद है,
तो फिर 7 दिन बाद की डेट तय करें। हाँ 7 दिन बाद की तय की जाए। जैसे कि बात तय हुई थी हमारी, आपके पूरे 3 लाख रुपए। नेहा जी थैंक यू सो मच। देखिए ना, शादी के बाद पहली बार पूरे परिवार के साथ हम लोग घूमने निकले हैं, मजा आ गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ चली गई थी तू? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ है आप? छोड़िए मुझे। चलो भाई, कौन है तुम्हारा? इसका पति मणिलाल। चलो पति? अरे मैं इनका पति हूँ भाई, तुम कहाँ से? लक्ष्मी चलो 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 मेरे साथ। अरे भाई, अरे लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो। ए लक्ष्मी, हेलो। वो मणिलाल इंदौर से भोपाल आ चुका है, उसने मुझे देख भी लिया है। और डर तो इस बात का है कि कहीं वो मुझे ढूंढते ढूंढते घर तक ना आ जाए। क्या? अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, हाँ मैं सोच के बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, थोड़ा तो लीजिए। पापा जी, मम्मी जी, नेहा घर छोड़कर चली गई है। क्या? ये देखिए, वो चिट्ठी छोड़कर गई आप सबके लिए। संतोष जी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सच ये है कि मेरी शादी जबरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी उम्र से बहुत बड़े आदमी के साथ की गई है। मैं इस शादी को नहीं मानती। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना नेहा। ये क्या कर दिया बहू? पापा जी, वो मुझे और इस परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। वो घर छोड़कर नहीं, लूट कर भाग गए हैं। क्या कह रहा है? मतलब? हाँ, उस धोखेबाज ने माँ के सोने के जेवर बदलकर नकली रख दिए। ये देख। ये क्या कह रहे हो तुम? हे भगवान, पापा जी, तिजोरी में से कैश भी गायब है। क्या? पापा, वो इस घर में दुल्हन नहीं, लुटेरी बनकर आई थी, इसीलिए उसने कभी मुझे अपना पति ही नहीं माना। नहीं। क्या हुआ? वो भावन का मास चल रहा है ना? हाँ, वो 50,000 भी उसी ने चुराए थे। अच्छा? अगले दिन उसका भाई आया था कोई पौधा लेने। अब तब तक ये गमला लेके जाइए। हाँ हाँ ठीक है जीजा जी, हम चलते हैं। इसका मतलब वो माँ का ऑपरेशन भी? वो भी झूठ था। हाँ। हमें इसकी शिकायत पुलिस में करनी होगी। मम्मी ये देखो ना। हाँ चल। कुल मिलाकर ये दाम हमें पड़ा 14,72,000। और ये रहे 50,000। और है 50,000 माने 15,22। हेलो। हाँ भूपेंद्र जी। देखिए अमर जी, बात ऐसी है कि अब शादी अगले हफ्ते नहीं, कल ही होगी। नहीं नहीं, वरना आप हमारे 3 लाख रुपए वापिस कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ठीक है, रखते हैं। ठीक है। वो भूपेंद्र तेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए मारा जा रहा है? वैसे कल का दांव अपना आखिरी दांव होगा।
उसके बाद हम लोग कल राजस्थान चल चलेंगे, ठीक है? अब वर वधु और उसकी माता भ्राता को हथकड़ी पहनाएंगे। ओम केशव नम्पाय नमः स्वाहा। ये क्या बकवास कर रहे हो पंडित? सही कह रहा है पंडित। अब तक तुम नकली दुल्हन बनती थी, आज नकली दूल्हा देखकर कैसा लग रहा है? सर, भाभी की भैया से शादी होने के कुछ दिन बाद ही घर में चोरी होना शुरू हो गई। मुझे लगा कि भाभी भैया को धोखा दे रही हैं, तो मैंने एक दिन उनका पीछा करने के लिए सोचा। जब मैंने उनका पीछा किया तो मैंने देखा कि भाभी किसी और के घर में दिख रही हैं। सर देखे ना, एक तो शादी मेरी इतनी लेट हुई, पूरे परिवार को धोखा देकर फरार हो गई, और अभी वो तीसरी शादी करने की तैयारी में है। उसने मुझसे भी शादी की और घर से कैश ज्वेलरी लेकर सब फरार हो गई। आज पार्किंग में दिखी तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, बोल रही मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। सर इसीलिए कंप्लेंट लिखाने आया हूँ, सर धोखा हुआ है मेरे साथ। इसका मतलब उसने दो अलग नाम से दो शादियाँ की और तीसरी शादी करने के लिए सीहोर आई है। और तुम लोग अब तक नकली ससुराल जाते थे, अब चलो अपने असली ससुराल। ले चलो तीनों को, लेकर जाओ इन चीरज को, लेकर जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, वरना पता नहीं और कितनों के घर बर्बाद करती है। चलो नेहा, पूनम और अमर के गिरोह का भांडा फूट गया। पुलिस ने लूटा हुआ सारा सामान वसूल लिया और इन अपराधियों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। नेहा और उसके साथी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन आज भी हमारे गांवों में कस्बों में इस तरह के गिरोह सक्रिय है। इस अपराध से पीड़ित परिवार या तो लोकलाज या फिर समाज में उनकी बदनामी के डर से इस बात को छुपाते हैं, जिसकी वजह से अपराधियों का हौसला और भी बुलंद हो जाता है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी अपराध हो रहा हो तो कृपया करके आप चुप ना बैठें और इसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करें। शादी जिंदगी का एक अहम फैसला है, इसलिए इसमें कोई अनदेखी, समझौता या जल्दबाजी ना करें। अगर आपकी शादी देर से होती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी गलत इंसान से हो जाती है तो आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।